हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में आप काफी अमेजिंग डील्स यहाँ पर क्रैक कर रहे हो। बाकी गाइस, अगर आप चाहते हो मैं हेडफोन्स के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और बोट ने भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इस बार मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रहा हूँ बोट स्टोन के ऊपर। और गाइस, ये स्पीकर अभी रिसेंटली लॉन्च है, 5 बोट स्पीकर आपको ये मिलता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कैसे स्पीकर और क्या आपको इसे परचेज करना चाहिए नहीं। मेरा नाम है अपूर्व और आप देख रहे हैं टेक कंसर्न। चले देर की इस बात की, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बॉक्स ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको स्टोन क्यूबॉइड इमेजेस देखने के लिए मिलता है। 5 वोल्ट इमर्सिव साउंड यहाँ पर लिखा गया है। अपर साइड में इसकी कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आपको मिलती हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। राइट साइड में लिखा गया स्टोन क्यूबॉइड। बॉटम साइड में आपको यहाँ पर इसकी प्राइसिंग देखने के लिए मिल जाती है 2499 रुपए, बट एक्चुअल प्राइस काफी ज्यादा कम है। चलिए देखते हैं बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है। सो बॉक्स कंटेंट में आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता है बोट हेड स्टीकर, 1 ईयर वारंटी कार्ड, एक बोट की कैटलॉग जिसमें इसके सभी प्रोडक्ट की डिटेल आपको मिलती है। एक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है यूएसबी टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी केबल। एक आपको मिल जाती है यहाँ पर ऑक्स केबल जिसकी लेंथ भी यहाँ पर एवरेज मिलती है। एंड एट द लास्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक यूजर मैनुअल, और उसके बाद हमें फाइनली देखने के लिए मिल जाता है बोट स्टोन क्यूबॉइड। सो अगर स्पीकर के ओवरव्यू की बात करें तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी से। तो कंप्लीट जो फ्रंट साइड आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर डॉट्स का यूज़ किया गया है, कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने के लिए मिल जाती है, और सिलिकन की यहाँ पर कोटिंग आपको मिलती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। अपर साइड में आपको यहाँ पर इसके सभी बटन फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपको राइट साइड से शुरुआत करते हैं, पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, ये मल्टी फंक्शन बटन की तरीके से भी यूज़ में आएगा। उसके बाद आपको वॉल्यूम माइनस बटन मिलता है, एक एलईडी लाइट इंडिकेटर मिलती है, प्लस बटन यहाँ पर मिल जाता है, उसी के साथ आपको मोड स्विच बटन मिलता है जिससे आप यहां पर FM मोड, ऑक्स मोड और ब्लूटूथ मोड में यहां पर स्विच कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहां पर एक कैरिंग स्ट्रैप देखने के लिए मिलती है, और ये भी काफी अच्छी क्वालिटी की आपको मिलती है। स्पीकर के लेफ्ट साइड में आपको यहां पर सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है जो कि सिलिकन कैप से यहां पर कवर अप है। इसके अंदर आपको ऑक्स देखने के लिए मिलता है, TF कार्ड स्लॉट आपको मिलता है, और चार्जिंग के लिए आपको यहां पर माइक्रो USB सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। स्पीकर के बॉटम साइड में आपको रबराइज्ड पैडिंग देखने के लिए मिलता है ताकि अपने सरफेस पे स्टेबल। एंड गाइस, यही कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है इस स्पीकर का। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी में काफी ज्यादा अमेजिंग है स्पीकर यहाँ पर देखने में तो लग रहा है। और सेंटर पार्ट में आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर की स्ट्रिप देखने के लिए मिलते हैं जो कि इसे कुछ यहाँ पर कूल लुक यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सो गाइस, अगर स्पीकर के बटन फंक्शन की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बटन्स का काफी अच्छा फीडबैक आपको यहाँ पर मिल जाता है। कंप्लीट सिलिकन के यहाँ पर बटन दिए गए हैं और काफी अच्छा फीडबैक इनका मुझे पर्सनली यहाँ पर लगा। फंक्शन की बात करें तो सिंगल टैप आपको करना होगा मल्टी फंक्शनल बटन के ऊपर, तो आप यहाँ पर कॉल को आंसर कर सकते हैं। एंड करने के लिए आपको इसी तरीके से शॉर्ट प्रेस करना होगा मल्टी फंक्शनल बटन को। रिजेक्ट करने के लिए किसी भी कॉल को डबल टैप आपको करना होगा मल्टीफंक्शनल बटन पे। मोड्स को स्विच करने के लिए आपको डेडिकेटेड बटन यहाँ पर मिलता है, तो आप इजीली यहाँ पर ब्लूटूथ, FM और ऑक्स मोड में स्विच कर सकते हैं इस बटन की मदद से। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए आपको प्लस बटन को यहाँ पर प्रेस करना होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज के लिए माइनस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले एंड पॉज करने के लिए ट्रैक को मल्टीफंक्शनल बटन को आपको सिंगल टैप प्रेस करना होगा। प्रीवियस ट्रैक पे जाने के लिए माइनस बटन को आपको प्रेस करना होगा लॉन्ग प्रेस, साथ ही साथ नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए प्लस बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। FM मोड में यहाँ पर चैनल्स को सर्च करने के लिए माइनस बटन को आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ प्लस बटन से भी आप यहां पर चैनल को स्विच कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए डबल प्रेस करना होगा आपको इसके मोड बटन को, ताकि आपका वॉइस असिस्टेंट यहां पर एक्टिवेट हो जाए। और इसी स्पीकर को मैन्युअली यहां पर डिस्कनेक्ट करने के लिए प्लस और माइनस बटन को एक साथ आपको प्रेस करना होगा, गाइस आपका स्पीकर यहां पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसके बटन फंक्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका ऑडियो सैंपल, और आप उसे सुनिए, मुझे कमेंट्स में बताएगा आपको कैसा लगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियन की, मुझे पर्सनली यहाँ पर कैसा लगा बोट स्टोन क्यूबॉइड का साउंड आउटपुट। तो गाइज, आपने सुना, ये था कंप्लीट साउंड आउटपुट इसी छोटे से बोट स्टोन क्यूबॉइड ब्लूटूथ स्पीकर का। अब मैं गाइज अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके हाई मिड्स और लोस से। तो हाइज में जो ट्रिबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके सही मुझे लगे, जो यहाँ पर मिड्स आपको मिल जाए वो भी यहाँ पर बैलेंस्ड हैं, लोस भी यहाँ पर ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। अब अगर इसके बेस सेगमेंट की बात करें तो बेस आपको इसमें एवरेज सुनने के लिए मिलता है। लाउडनेस की अगर बात करें तो यार इस स्पीकर के हिसाब से मुझे लाउडनेस इसकी कम लगी। अदर ब्रांड्स के भी मैंने स्पीकर यूज़ किए हैं 5 वोल्ट, और बोट के भी मैंने पर्सनली 5 वोल्ट स्पीकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, तो उस हिसाब से यार मुझे इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम महसूस हुई। और 100%
वॉल्यूम पे भी मुझे तो यहाँ पर कमी लगी लाउडनेस की। और अगर मैं डिस्टॉर्शन की बात करूँ तो डिस्टॉर्शन मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई, मैंने नॉर्मल सॉन्ग्स यहाँ पर प्ले करके देखे हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्लियरली सुन जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको नहीं मिलती है, वोकल्स इसके क्लियर हैं। ओवरऑल अगर कंक्लूड करूँ स्पीकर को तो यार आपको डिसेंट यहाँ पर साउंड आउटपुट मिलता है। अगर आप बेस लवर हैं तो बेस आपको अच्छा यहाँ पर नहीं मिलेगा, एवरेज आपको बेस यहाँ पर सुनने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाइज अगर आप यहाँ पर वेब सीरीज या फिर यूट्यूब वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसमें आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस स्पीकर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्विकली आपको सभी स्पेसिफिकेशन में बता देता हूँ। यहाँ पर अगर इसकी आउटपुट की बात करें तो 5 वोल्ट स्पीकर आपको यहाँ पर मिलता है। कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिलता है जिसकी रेंज 10 मीटर है। साथ साथ यहाँ पर आपको ऑक्स का सपोर्ट मिल जाता है और FM का भी आपको सपोर्ट मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। इसके साथ अगर इसकी यहाँ पर बैटरी की बात करें तो कंप्लीट 1200 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। कंप्लीट प्लेबैक टाइम आपको 5-5.5 घंटे का यहाँ पर मिल जाएगा जैसा ब्रांड यहाँ पर बोलती है। अगर टॉक टाइम में इसे यूज करते हैं तो आपको 4 घंटे का मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 1 से 1.5 घंटे लगेंगे इसे कंप्लीट चार्ज करने में। अगर इसके वेट की बात करूँ 240 ग्राम इसका कंप्लीट वेट आपको मिलता है। साथ ही साथ IPX5 रेटिंग के साथ ये स्पीकर आपको मिलता है, तो इस प्लेसिस से यहाँ पर ये इजिली सेफ हो जाएगा, उसमें कोई भी इशू होने वाला नहीं है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 1000 रुपये में ये स्पीकर आपको मिलता है। एक्सपेक्टेड था कि बोट का यहाँ पर स्पीकर नया लॉन्च हो रहा है तो बेस ज़्यादा मिलेगा, बेस मुझे यहाँ पर एवरेज सुनने के लिए मिला। बट ओवरऑल अगर आप ज़्यादा बेस लवर नहीं है तो डिसेंट अगर आपको साउंड पसंद है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, बट अगर आप बेस हेड हैं तो आपके लिए स्पीकर नहीं है गाइस। इसके साथ मैं इसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अदर्स और भी 5 वोल्ट स्पीकर मैं यहां पर मेंशन करूंगा तो उन्हें भी जरूर से चेकआउट करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ आपको ये स्पीकर कैसा लगा या फिर आप किस स्पीकर की यहां पर वीडियो देखना चाहते हैं। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हमें जरूर से फॉलो करें, वहां पर भी हम काफी ज्यादा एक्टिव रहे। मेरा नाम है अपूर्व और मैं आपके लिए इसी तरीके की कमाल की वीडियोज लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।